आपको ये लैरिंगोसील के बारे में जानकारी चाहिए तो पहले आपको वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स के अंदर सैक्यूल क्या होता है ये समझना चाहिए। ये समझाने के बाद आपको लैरिंगोसील क्या होता है, उसका कारण क्या है और पेशेंट्स का क्या 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 कंप्लेंट्स रहेगा, कोई ये हम कैसे इलाज करते हैं ये देखिए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के अंदर ये वोकल कॉर्ड्स, इसके अंदर ऐसा सीधा जाएंगे तो लंग्स, तो जब ये वोकल कॉर्ड हिलेगा ऐसा हिलेगा तो आवाज बनता है। तो इसका नॉर्मल फंक्शन के लिए हर टाइम ये गीला होना चाहिए। ये गीला आने के लिए इधर कुछ सेक्रेशंस नहीं, सेक्रेटरी ग्लैंड्स नहीं, तो इसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और बाहर ऊपर की तरफ जो दिखता है ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। अब ये पिक्चर देखिए, ये वोकल कॉर्ड्स हुआ और ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, तो इसका दोनों का बीच में एक स्पेस जो ऐसा साइड में ऊपर जा रहा है, ये स्पेस के अंदर बहुत सारा ग्लैंड्स है जो सेक्रेशंस बनाता है। तो ये सेक्रेशंस ऊपर से दोनों तरफ से ऊपर से नीचे आके ये वो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर आके कवरिंग करता है, तो ये वेट रहेगा, गीला रहेगा। तो ये ग्रीन पार्ट को जो वेंट्रिकल से आता है उसको हम साइक्यूल कहते हैं। ये जो साइक्यूल इधर एक है और ये साइड में, जब ये साइक्यूल का ओपनिंग जो है ये कुछ कारण से बंद हो जाता है तो हवा बाहर नहीं निकल सकता, सेक्रेशन नहीं आ सकता। इसके साथ साथ में सपोज वो पेशेंट्स का काम ऐसा है कि उनका जिस्म में प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जैसे कि ग्लास बनाने वाले और म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले, ग्लास ब्लोवर्स और ट्रम्पट ब्लोवर्स और वेट ब्रिस्लर्स वेट ज्यादा लेते हैं, तो जब भी वो वजन लेते हैं प्रेशर ज्यादा देते हैं तो इसका साइज बढ़ता जाएगा। इधर बंद भी है, साइज बढ़ता जाएगा और अंदर हवा, तो ऐसा बंद होके अंदर हवा होके बढ़ता जाएगा उसको कहते हैं लैरिंगोस। अगर जो सिर्फ लैरिंग्स के अंदर है वो हुआ इंटरनल लैरिंगोसी, अगर जो यहाँ से बाहर निकल गया गले की तरफ तो वो हुआ एक्सटर्नल लैरिंगोसिस। कंबाइन मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल और साथ साथ में एक्सटर्नल मतलब साथ साथ में इंटरनल भी है, तो कंबाइन कहते हैं। तो लैरिंगोसिल मतलब एयर फिल्ड स्पेस साइक्यूल से शुरू होता है। तो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है तीन टाइप है, एक्सटर्नल इंटरनल कंबाइन। ये कंजेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। एक्वायर्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया किस किस रकम का पेशेंट्स को होता है, पेशेंट्स का कंप्लेन क्या है। अगर जो उनको एक्सटर्नल लैरिंगोसील है तो वो बताएंगे कि जब वो काम कर रहे हैं नहीं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं तो गले में बाहर की तरफ एक सूजन, तो वो काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं तो सूजन चला जाता है। इंटरनल लैरिंगोसील है तो बोलेंगे जब भी वो ग्लास ब्लोइंग काम कर रहे हैं नहीं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उनका आवाज बदली हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, यह रहेगा उनका कंप्लेंट। तो जब एक्सटर्नल लैरिंगोसील, जब हम पेशेंट को नाक बंद करके मुंह बंद करके हवा बाहर ब्लो करने के लिए बोलेंगे तो ये सूजन आ जाएगा, तब ये छोड़ देंगे तो ये सूजन चला जाएगा, यह हुआ एक्सटर्नल लैरिंगोसील। इंटरनल लैरिंगोसिस डायग्नोस करने के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोप भी चाहिए, ये तो एक दो मिनट में हो जाएगा, स्पेशल प्रिकॉशन प्रिपरेशन कुछ नहीं है, तो एंडोस्कोप सीधा अंदर लैरिंग्स देखने के लिए अंदर इंट्रोड्यूस करके पेशेंट के पास बोलेंगे कि नाक बंद करो मुंह बंद करो और हवा ब्लो करो। ऐसा इंटरनल लैरिंगोसील है तो एक सूजन दिखे, जब वो ब्लो करने स्टॉप कर देगा तो ये सूजन चला जाएगा। अब ये नॉर्मल है, इसमें सूजन तो नहीं है,
इसमें देखिए सूजन है, ये इंटरनल लैरिंगोसील, ये वाला। तो इंटरनल लैरिंगोसील एक्सटर्नल लैरिंगोसील कैसा डायग्नोस करना है मैंने बता दिया। तो एक्सरे से भी कर सकते हैं, सीटी स्कैन से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। मुझे तो सीटी स्कैन चाहिए। सीटी स्कैन करने के टाइम में हम वाल्सेल्ला मैनोर मतलब नाक बंद करके मुंह बंद करके ब्लो करने के लिए बोले, तब ऐसा एक सूजन दिखे। तो मैं सीटी स्कैन इसलिए मांग रहा हूँ ताकि डायग्नोस हो जाए और शायद उसका सैक्यूल का वो बंद हो रहा है वो कैंसर की वजह से शायद, तो कैंसर के लिए डायग्नोस करने के लिए भी ये सीटी स्कैन बेहतर रहेगा। ट्रीटमेंट ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। अगर जो इंटरनल लैरिंगोसील है तो एंडोस्कोपी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर जो एक्सटर्नल लैरिंगोसील है तो गले के बाहर से ओपन अप्रोच करके खोल के वो लैरिंगोसील कंप्लीटली निकाल के उसको सूचर करके क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा लैरिंगोसील मैनेज किया जाता है। नमस्ते।